हेलो एवरीवन, मेरा नाम कबीर है और हम लोग पहले भी मिल चुके हैं। आज हम लोग 90 डेज 90 वीडियोस के अपनी मिशन के अनुसार नया वीडियो लेकर के आए हैं। पर आज का वीडियो, आज का सेशन, लेट्स कॉल इट सेशन, आज का सेशन इंग्लिश पर है। क्लास 9 फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड बाय आइजैक असिमोव। ये चैप्टर शुरू करने से पहले दो चीजों का ध्यान रखें। पहला, आपके हाथ में एक पेंसिल होनी चाहिए और डेफिनेटली दूसरे हाथ में किताब होनी चाहिए। कोई सी भी ऐसी जगह चुन लीजिए जहां पर आप लोग बैठ सकें। अब हम लोग इसको पढ़ना शुरू करते हैं। इस बुक का नाम है बी हाइव और बी हाइव में पेज नंबर 5 पर द फन दे हैड है। मैं आप लोगों के साथ ये चीज पढ़ूंगा। देखिए, मेरे हाथ में भी एक पेंसिल है, एक हमारी किताब है, द फन दे हैड, दिस इज आवर डेस्क। बोर्ड पर हम लोग अलग अलग वर्ड्स लिखेंगे, जो टफ वर्ड्स हमें इस चैप्टर में मिलेंगे हम उन सबको लिखेंगे। जरा सोचिए, सोचने की बात है ये चैप्टर, हमें सोचने पर, ये कहानी है एक्चुअली। आइजैक असिमोव ने एक ऐसी कहानी बनाई जिस कहानी में वो हमें फ्यूचर की डेट में लेकर के जाता है और दिखाने की कोशिश करता है कि आज से 135 साल 150 साल के बाद जो स्कूल होंगे उनमें बच्चे किस तरीके से पढ़ाई करेंगे। हाउ विल द स्टूडेंट स्टडी इन द स्कूल्स ऑफ लेट्स से 2050 2179, जो कि 2157 जो इसमें डेट लिखा हुआ है। आज देख लीजिए 2020 चल रहा है और आज से ठीक 137 ईयर्स फ्रॉम टुडे 17th में अभी बस गया ही है। सो एक ऐसा ही दिन, और ये कहानी दो बच्चों की है। एक बच्ची का नाम मार्जी है और दूसरे बच्चे का नाम टॉमी है। सो लेट्स सी दिस। हमारे मन में काफी बार ऐसे सवाल भी वैसे आते हैं कि फ्यूचर में कैसा होगा ऐसा। खैर, मेरे मन में तो नहीं आया। मैं तो ये सोचता हूँ कि यार, जो पास में जो बच्चे रहे होंगे वो कैसे पढ़ते होंगे। जरा सोचिए, आज से 100 साल पहले जब इतने सारे हमारे पास प्रिंटेड मटेरियल इतना ज्यादा नहीं होता था, कॉपीज नहीं होती थी, स्लेट लेकर के लोग स्कूल जाते थे। मेरी दादी बताती है कि वो स्लेट लेकर के स्कूल जाया करती थी और उस पर चौक से लिखा करती थी, फिर उसको धोया जाता था। सारा अक्षर ज्ञान, सारा जितने भी हमारे हमने लेटर्स सीखे हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, वो सारे के सारे हम लोगों ने पेपर्स पर सीखे हैं, पर उन लोगों ने स्लेट पर सीखे हैं। सो जस्ट इमेजिन, जैसे ऐसे टेक्नोलॉजी आगे मूव करती है, टेक्नोलॉजी के साथ साथ इंसान के सोचने का तरीका भी बदलता है। इंसान काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने लग जाता है, और शायद इन्हीं चीज़ों को आइजैक असिमोव ने अपनी स्टोरी के माध्यम से हमें बताने की कोशिश की है। हम लोग दोनों भाषा का प्रयोग करेंगे, हिंदी और अंग्रेजी। इंग्लिश में जो भी वर्ड्स हमें टफ मिलते हैं वो चीज़ें हम बोर्ड पर डालते जाएंगे, और आई एम श्योर कि ये बहुत हेल्पफुल होगा हम सबके लिए। सो लेट्स सी दिस। बुक ले लीजिए, बुक के सामने में एक पेंसिल इसी तरीके से, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इट। सो द फन दे हैड, बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। जो हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं वह भविष्य पर आधारित है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नो नाउ देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। तो फिर आज से इतने समय के बाद जिस तरीके से हम स्कूलों को और किताबों का जो आज स्वरूप देखते हैं, जो हम फॉर्मेशन देखते हैं, वो शायद तब तक रहे ही नहीं। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, फिर बच्चे कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडिया। नीचे वाला डायग्राम देखिए, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, जो हम आज भी कर रहे हैं, अभी के समय में भी कर रहे हैं। वर्चुअल क्लासरूम, अभी तक हम यहां तक नहीं पहुंचे हैं। रोबोटिक टीचर, यहां तक नहीं पहुंचे हैं। मूविंग ई टेक्स्ट, यस वी हैव आईपैड्स, हमारे पास आईपैड्स हैं, हमारे पास लैपटॉप्स हैं, हमारे पास फोन, मोबाइल फोन, जिसमें हम स्क्रोल करके, स्क्रोलिंग का इसमें हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। पेजेस पलटते नहीं हैं, पेजेस स्क्रोल करते हैं। स्क्रोल मतलब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर देखने के लिए स्क्रीन को आगे या पीछे बढ़ाना। सो स्क्रोल इज माई फर्स्ट वर्ड। ओके, सो लेट मी डिवाइड इट इन टू फॉर्म्स, लेट्स सी। सो वन साइड आई विल पुट ऑन नाउन and the other side I'll put verb. Easy to understand, right? So let's move further. So
मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी एक लड़की है जो जिसके बारे में मैंने आपको बताया, उसने अपनी डायरी में उस रात एक नोट लिखा, एक इवन रोट, इवन नो रोट का मतलब यहाँ पर है कि दिन में कोई ऐसी घटना हुई थी जिसके बारे में मार्जी ने अपनी डायरी में भी लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, और जैसे हमारी डायरीज में पेज होता है, उसकी डायरी में भी एक पेज था जिस पर 17 मई 2157 की तारीख लिखी हुई थी। टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। क्या लिखा उसने कि टॉमी ने एक रियल बुक, ठीक इसी के जैसी आपके कबर्ड में भी काफी सारी किताबें होंगी, आप देखिएगा आपके स्कूल बैग के अंदर में काफी सारी किताबें जो आप अभी इस समय में पढ़ भी रहे होंगे, सो वैसी एक बुक टॉमी को मिलती है। और सोचो अब टॉमी को जो किताब मिली है ये तो हम देख ही रहे हैं अपने सामने में, बट ये किताब कब मिली है, जब उनकी पढ़ाई लिखाई पूरी तरह से टेक्नोलॉजी बेस्ड है, पेपरलेस है, और उसके अंदर कोई भी किसी भी किस्म का मतलब एवरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एवरीवेयर। सो चेक दिस आउट, यस, ऐसा मार्जी ने अपनी नोटबुक में सॉरी डायरी में लिखा। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, बहुत पुरानी किस्म की किताब। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। ये वही बता रहा है जो हम जानते हैं, मार्जी के जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने कहा था कि जब वो छोटे बच्चे थे हमारे एज के, हमारे मतलब तुम लोगों की एज के, हिज ग्रैंडफादर, तो तब उसके उनके दादाजी ने मतलब 6 जनरेशन पहले ने उसको बताया था कि एक समय था जब सारी की सारी कहानियां, ऑल द स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, सारी कहानियां पेपर पर लिखी जाती थी। दे टर्न द पेजेस, वो पेज पलटते थे, विच वर येलो एंड क्रिंकली, इसी की तरह येलो और क्रिंकली मतलब जब पेज को थोड़ा सा मोड़िए और उसके बीच में आपस ऐसे रगड़ने की कोशिश करिए तो आपस में एक जो साउंड होता है उसको हम क्रिंकली कहते हैं। And it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to. और बड़ा ही विचित्र था कि जो पेजेस थे, जैसे हम स्क्रीन पर मान लीजिए कि ये स्क्रीन है, मैं इसको ऐसे करता हूँ तो स्क्रीन मेरा नीचे चला जाएगा, मुझे ऊपर का दिखने लगेगा। सो वो इसी के बारे में कह रही है कि वो स्क्रोल नहीं करते थे, instead of moving the way they were supposed to. अब हमने हमारे आने वाले जनरेशन में लोग पूछेंगे, जैसे हम आज के समय में पूछते हैं कि पुराने जमाने में बैलगाड़ियाँ कैसे चलती थी, आज के समय में बैलगाड़ियां नहीं दिखती हैं, लेकिन एक समय बैलगाड़ियां ट्रांसपोर्ट का सबसे प्रमुख साधन हुआ करती थी। बैलगाड़ियां, घोड़े, लोग पैदल पैदल कहां कहां तक चले जाते थे, आज की डेट में इमेजिन करना भी मुश्किल है। सो चेक दिस आउट, ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल, इतना अजीब सा लगता था जब हम ऐसे शब्दों को पढ़ते थे जो स्थिर रहते थे, इंस्टेड ऑफ मूविंग इन द, जैसे वो टैबलेट में या फोन में जैसे मूव करते हैं वैसे मूव नहीं करते, ऑन अ स्क्रीन, एक स्क्रीन पर, यू नो, एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, और जब वो पेज को पलटते थे आगे पीछे तो पेज अपना स्थान नहीं बदलते थे, दैट इट हैड हैड व्हेन दे रीच इट फॉर द फर्स्ट, व्हेन दे रेड इट फॉर द फर्स्ट, रेड इट द फर्स्ट टाइम। So, देखो यहाँ पर दो बार हैड का प्रयोग है, एक जगह पर यह पोजेसिव वर्ब के तौर पर यूज किया गया है और एक जगह पर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज किया गया है। सो जी, अच्छा जी का मतलब होता है जीसस, व्हेन इंग्लिश पीपल, व्हेन दे, जैसे हम लोग कहते हैं हे भगवान, सो वैसे ही कुछ लोग होते हैं जो जी करके ऐसे बोलते हैं। सो चेक दिस आउट, दिस ऑफुली, ऑफुली इज अ नाउन, ऑफुली मतलब होता है बहुत ही भद्दे तरीके से, जी जैसे वंस अगेन आई वुड प्लेस इट अंडर नाउन, देन वी हैव सेड टॉमी, हे भगवान, टॉमी ने कहा हे ईश्वर, व्हाट अ वेस्ट, कितना कितनी बर्बादी है, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, जब आप ये किताब खत्म कर लेते हो तो आपको एक ऐसी किताब फेंकनी पड़ जाती है। आई गेस, ऐसा मुझे लगता है, आवर टेलीविजन स्क्रीन्स मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, हमारे टेलीविजन की जो स्क्रीन्स हैं उन पर पता नहीं लाखों करोड़ों किताबें होंगी और अभी और भी किताबें इसके अंदर आ सकती हैं। आई वुडंट थ्रो इट अवे, ऐसी किताब को मैं तो नहीं फेंकने जा रहा हूँ। सेम विद माइन, मैं भी नहीं, सेड मार्जी, मार्जी ने भी कहा, शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मेनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, वो 11 साल की थी और उसने इतनी टेलीबुक्स, टेलीबुक्स मतलब द किंडल टाइप जिसमें सिर्फ लिखा होता है और आप उसको फ्लिप करके स्क्रोल करके आगे पढ़ते जा सकते हैं। सो चेक दिस, वेयर वाज इट, या सो टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, उसने इतनी ज्यादा टेलीबुक्स नहीं देखी थी। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, उसने पूछा तुम्हें ये कहां पर मिली, कौन सी किताब, ऐसी किताब जो उसके दादाजी ने
दादाजी के दादाजी जब बच्चे थे तब स्कूल जाते थे, वैसी किताब। She said, where did you find it? In my house. इसे मैंने अपने घर में पाया है। He pointed without looking. मतलब बहुत लापरवाही से मैंने घर में पाया है, जैसे हम लोग नहीं कहते हैं कहाँ मिला, अरे वही पड़ा हुआ था, ये कौन है, ये वही जाता है। ऐसे ही टॉमी ने जवाब दिया, घर में पाया, कहाँ पाया भाई। अच्छा, He pointed without looking because he was busy reading. क्योंकि अच्छा हुआ ऐसा, उसने क्यों किया, क्योंकि वो पढ़ने बिजी था, पढ़ते पढ़ते कहाँ पाया, घर पे पाया, इन द एटिक। अच्छा, एटिक किसको कहते हैं, ये जो हमारी दीवार होती है, दीवार में हम लोग कई बार आई लाइन मतलब हेडलाइन से ऊपर में एक ऐसा झरोखा टाइप का बना देते हैं जिसमें हम कुछ सामान, ट्रंक वगैरह, कोई पुरानी चीजें रख सकते हैं, उसे हम एटिक कहते हैं। सो वॉट इज इट अबाउट, ये किस चीज के बारे में है, स्कूल के बारे में। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल। नाउ स्कॉर्नफुल इज लाइक दिस, यू नीड टू डू दिस। अच्छा, so scornful, school, what's there to write about school, school के बारे में क्या लिखना, I hate school, मुझे school से बड़ी नफरत है। scornful देखो, it can be a noun, but scorn is a verb, scorn is a verb, scornful is a, I would say, it is an adjective, so check this out, if she was scornful, school, What's there to write about school? I hate school. मुझे स्कूल से बड़ी नफरत है। मार्जी always hated school. मार्जी को स्कूल उतना पसंद नहीं था। क्यों नहीं पसंद था? क्योंकि उसका स्कूल सिर्फ एक रूम भर था, जिस रूम के अंदर वो जाती थी। इन लोगों के लिए स्कूल का मतलब वो स्कूल नहीं है जिस स्कूल में अभी छुट्टी हुई पड़ी हुई है, जहां से हम पढ़ जा करके अभी पढ़ाई नहीं कर सकते, अपने दोस्तों से नहीं मिल सकते। ऐसा स्कूल जिसमें लंच का एक टाइम बहुत सेलिब्रेट किया जाता है। स्कूल शुरू होने से पहले कितनी मस्ती करते थे हम लोग, आई एम श्योर आप लोग भी करते ही होंगे। और जब लंच टाइम हो जाता है उसमें सारे दोस्तों के साथ मिल बैठ करके खाना, सारी चीजें उस तरीके से मिस करते हैं। मैं मिस करता हूं अपने स्कूल को, आई एम श्योर आप लोग भी कितना मिस करते होंगे। बट ये ऐसी लड़की है जिसने ऐसा स्कूल देखा ही नहीं। इसके लिए स्कूल का मतलब सिर्फ एक कमरा है जिसके अंदर एक मैकेनिकल टीचर है, जो हम लोग जिसके बारे में आगे जानेंगे। मैकेनिकल टीचर है एक, दो तीन कंप्यूटर्स हैं, आपस में इंटरफेसेस हैं, अच्छे तरीके से इंस्टॉल किया गया है। सो ये वैसा स्कूल। मार्जी हमारे स्कूल को हेट नहीं करती है, वो अपने स्कूल को से उसको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो उस स्कूल में अपने दोस्तों से नहीं मिल सकती, उस स्कूल में वो किसी से बात नहीं कर सकती, सिर्फ काम काम काम, जो कि अभी हम लोग जिसकी भरपाई हम लोग किसी तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। सो Margie always hated school, but now she hated it more than ever. लेकिन अब तो उसको स्कूल से पहले से भी ज्यादा नफरत हो रही थी। The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. उसका जो mechanical teacher था, उसको एक के बाद एक teacher, test देता जा रहा था, और वो अपने test में अच्छे marks भी नहीं ला पा रही थी, और ऐसा तब तक चलता रहा जब तक उसकी माँ ने उसको डांटा थोड़ा, मतलब यार कोई भी माँ बाप के बच्चे अगर अच्छे नंबर नहीं लाएंगे, मैंने तो खूब मार खाई है, मेरे अच्छे नंबर नहीं आते थे, मुझे बहुत मार पड़ती थी, मार क्या पड़ती थी, अच्छी खासी डांट पड़ती थी, और वो डांट ही मार के बराबर होती थी। आई एम श्योर कि काफी सारे मेरे से बातों से मतलब अग्रीमेंट रखने वाले बहुत सारे बच्चे होंगे, बट ऐसा होता है, अगर आप अच्छे नंबर नहीं लाओगे तो यार माँ बाप इतनी मेहनत कर रहे हैं, अब हमारे नंबर भी अच्छे नहीं आएंगे तो कैसे काम चलेगा। सो शेकन हर सॉरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी इंस्पेक्टर एक पोस्ट है जो शायद जितने भी मैकेनिकल टीचर्स होते हैं उनकी रिपेयरिंग का काम। मैकेनिकल टीचर इज एन इंस्ट्रूमेंट, जैसे फोन है जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टीवी है जिस पर हम न्यूज देखते हैं, रामायण महाभारत और न जाने क्या क्या देखते हैं, वैसे ही मैकेनिकल टीचर एक बढ़िया सा, मतलब थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन काइंड ऑफ अच्छा सा कंप्यूटर है। सो दैट्स हाउ इट इज। ही वाज अ रूटीन लिटिल मैन, सॉरी माय मिस्टेक, फॉर द सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर के पास वो लोग मैकेनिकल टीचर को लेकर जाते हैं। सो कौन जाते हैं? मार्जी और उसकी मम्मी। ही वाज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। साइंटिस्ट जैसा दिखने वाला आदमी, गोल मटोल, छोटा सा आदमी, रेड फेस, चेहरा लाल, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स। और उसके पास, जैसा हमारे पास कोई भी आकर के टूल्स लेकर के टूल्स का बक्सा होता है, वैसा ही उसके बक्सा था, और बक्से के अंदर में डायल्स, काफी सारे मीटर्स
और वायर्स, खूब सारे तार थे उसके अंदर में। ही स्माइल्ड एट मार्जी एंड गेव हर एन एप्पल। एक अच्छा आदमी जैसा जो काम करता है, उसने मार्जी की तरफ स्माइल किया और उसको एक एप्पल पकड़ा दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और उसके बाद उसने टीचर को खोलना शुरू किया, ठीक वैसे ही जैसे घड़ी डिटर्जेंट के केस केक के या घड़ी डिटर्जेंट पाउडर के एड में अमिताभ बच्चन आते हैं और स्क्रू ड्राइवर से कुछ कुछ करना शुरू कर देते हैं, ठीक वैसा ही यहां पर काउंटी इंस्पेक्टर ने किया। समझ लीजिए कि वही है, बस अमिताभ बच्चन थोड़ा लंबा है, काउंटी इंस्पेक्टर थोड़ा छोटा और गोल मटोल टाइप का आदमी है। सो मार्जी हैड होप ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्जी को ये मन में बना रही थी कि हे भगवान, इसने खोल तो दिया है पर ये नलायक आदमी निकले और ये इस चीज को ठीक ना कर पाए। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वाज अगेन। बट अपने फन का माहिर आदमी था, उसको पता था कि वो क्या कर रहा है और उसने एक घंटे के अंदर उसको ठीक कर दिया। क्या कहता है ठीक करके, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, दैट वाजंट सो बैड। सो काफी सारा उसका बड़ा स्क्रीन था जिस पर सारे के सारे लेसन दिखाए हुए थे, क्वेश्चंस लिखे गए थे, प्रिंट किए हुए थे, एंड दैट वाजंट सो बैड। और ये इतना बुरा भी ठीक नहीं था, बुरा भी नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। सबसे खराब आज के समय में जो बच्चों को स्कूल जाकर के लगता है कि होमवर्क मिलता है, कुछ बच्चों को लगता है, लेकिन ये तो है तो हमारी भलाई के लिए ही। मार्जी को भी ऐसा बुरा लगता था क्योंकि मैकेनिकल टीचर उसको टेस्ट देता था और उसको जो अपना जो पेपर जो होता था वो एक स्लॉट में डालना पड़ता था, अपना जो आंसर जो होते थे उसके एक स्लॉट बना हुआ था उसके अंदर उसको डालना पड़ता था और ये उसको सबसे खराब लगता था। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 इयर्स ओल्ड। जब वो 6 साल की थी तब से उसकी ट्रेनिंग चल रही थी और उसको हर चीज पंच कोड में लिखनी पड़ती थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जैसे तुरंत ही उसका मार्क्स का कैलकुलेशन हो जाता था और तुरंत उसको बता दिया जाता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हेड। जब इंस्पेक्टर का काम खत्म हो गया तो उसने मार्जी को देखा और उसके सर पर उसने थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, और फिर उसकी माँ से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। अरे ये तो इस बच्ची की गलती ही नहीं है मिसेस जोन्स, आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। मुझे लगता है कि ज्योग्राफी का जो सेक्टर था वो थोड़ा सा इसके लेवल से ऊपर चला गया था। Those things happen sometimes. कभी कभार ऐसा हो जाता है। I have slowed it up to an average 10-year level. मैंने इसको थोड़ा धीमा कर दिया है और ये एवरेज 10-year level 10 साल के बच्चे के लिए अब ये बिल्कुल फिट है। Actually, दरअसल the overall pattern of her progress is quite satisfactory. पर अगर आप ठीक तरीके से देखो तो जिस तरीके से आपकी बच्ची विकास कर रही है वो बहुत संतोषजनक, यानी ठीक ठाक तरीके से पढ़ रही है। एनी पैटर्न मार्जीज हेड अगेन, और उसने फिर से मार्जी के हेड पर ऐसे पैट किया। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी जो थी वो थोड़ी निराश थी, परेशान हो गई, यार ऐसे कैसे। शी वॉज डिसअपॉइंटेड वॉट शी डिड, she had been hoping they would take the teacher away altogether. उसको ये उम्मीद थी कि उसे टीचर ले लिया जाएगा। क्यों भाई, they had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. क्यों? क्योंकि उससे जो थोड़ा बड़ा है टॉमी, उसने क्या किया था, उसका भी मैकेनिकल टीचर में ऐसे ही फॉल्ट आ गया था, तो फॉल्ट आने के कारण एक महीने भर के लिए उसके टीचर को ले लिया गया और वो आगे मतलब एक महीने तक उसको पढ़ाई लिखाई करने का कुछ नहीं था। सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। इसलिए उसने टॉमी से कहा कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉम, अब समझ रहे हैं आप लोग कि वो स्कूल जो टॉमी ने स्कूल कहा, उस स्कूल को मार्जी क्या समझ रही थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये स्टोरी तो हम पढ़ लेंगे सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम मार्जी कौन से स्कूल को हेट करती है और मार्जी कौन से स्कूल में जाती है। मार्जी को कौन से स्कूल के बारे में पता चल रहा है टॉमी के थ्रू, टॉमी के माध्यम से, लेकिन जब टॉमी कहता है कि स्कूल, तो उसके मन में क्या चलता है कि यार मेरा स्कूल तो ये है। वो अब आगे की बात सुनना छोड़ करके अपने मन में जो उसने स्कूल की पिक्चर बना रखी है उसी के बारे में लगातार सोचती चली जाती है। हाउ मच इज लेफ्ट, आई थिंक इसको खत्म कर देते हैं। लेट्स फिनिश दिस। सो टॉमी लुक्ड एट हर, वेयर वाज इट, बिकॉज़
तो आई मीन लुक्ड एट हर विद हर विद वेरी सुपीरियर आईज अब ऐसे टाइम के बारे में सो शी सेड टू टॉमी व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल क्यों अब जाकर के मतलब हमें इस बात का समझ में आता है कि उसने टॉमी से ऐसा क्यों पूछा कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा क्योंकि स्कूल मार्जी के लिए बहुत ही बोरिंग जगह है। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आईज टॉमी ने उसकी तरह बहुत ही मतलब वाओ जैसे गर्व से देखा बिकॉज इट्स नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल क्योंकि हमारे टाइप का स्कूल नहीं है स्टूपिड बेवकूफ ये हमारे टाइप का स्कूल नहीं है दिस इज ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड एंड हंड्रेड ऑफ इयर्स अगो वो ऐसा स्कूल है जो सौ मतलब सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे ही एडेड लॉफ्टिली ऐसे बोला जैसे वो बहुत जानता हो लॉफ्टिली मतलब बढ़ा चढ़ा करके कहना नमक मिर्च लगा करके कहना प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज अगो और ऐसा बोलते समय उसने सेंचुरीज वर्ड पर ज्यादा जोर दिया ताकि उसको ज्यादा अच्छे से मार्जी पर इस बात का ज्यादा प्रभाव पड़े मार्जी वॉज हर्ट अच्छा ये अब ऐसा कोई आपके सामने बिहेव करे तो आपको क्या लगेगा कि यार ये मुझे बुद्धू बना रहा है मुझे बुद्धू समझ रहा है मार्जी वॉज हर्ट मार्जी को बुरा लगा वेल आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो हाँ ठीक है मुझे नहीं पता कि उस इतना समय पहले कैसे स्कूल हुआ करते थे शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ व्हाइल देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर उसने कुछ देर तक उसके जैसे मान लो मेरे सामने कोई बंदा खड़ा है और मैं ऐसे करके मैं पढ़ रहा हूं हाँ ठीक है उनके पास जो टीचर भी तो हुआ करते थे श्योर दे हैड अ टीचर बिल्कुल उनके पास टीचर होते थे बट इट वॉजेंट अ रेगुलर टीचर लेकिन एक रेगुलर टीचर मतलब अंडरलाइन कर लीजिए रेगुलर टीचर का मतलब ये रेफरेंस दे रहा है अपने मैकेनिकल टीचर जो कि एक कंप्यूटर है मशीन है यार आपको अच्छा लगेगा कोई रोबोट आपको पढ़ाए एक अच्छा जीता जागता इंसान पढ़ाए उसने मुस्कुराने वाली बातें बोले कोई टॉपिक से रिलेटेड कोई एग्जाम्पल सुनाए दैट्स हाउ इट इज सो ऐसे उसने बोला कि sure they had a teacher but it wasn't a regular teacher it was a man ye koi matlab mechanical teacher nahi ek insaan hota tha a man see if I be Margie I would say like that a man how could a man be a teacher ek aadmi kaise padha sakta hai are bhai aise padha sakta hai well he just told the boys and girls things and gave them homeworks and asked them questions हाँ वो बस चीज बच्चों लड़कों और लड़कियों को जो क्लास में स्टूडेंट्स होते थे उनको कुछ कुछ बताता रहता था और उनको होमवर्क देता था और क्वेश्चन पूछता रहता था अ मैन इजंट स्मार्ट एनफ एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं हो सकता श्योर इज बिल्कुल हो सकता है माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर मेरा मेरे फादर जो है मेरे पापा वो भी उतना ही जानते हैं जितना मेरा मैकेनिकल टीचर जानता है आई नो ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा अंडरलाइन बेचा बिल्कुल उतना ही जानते हैं और मैं इस पर बेट कर सकता हूं बेचा मतलब होता है बेट करना चेक दिस वेयर वाज इट आई बेचा मार्जी वाजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट मार्जी के पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी ना ही वो इतनी कॉन्फिडेंट थी कि वो इस चीज को चैलेंज करती कि हाँ ठीक है तुम्हारे पापा इतने स्मार्ट नहीं हो प्लस वो इतने बड़े आदमी है मतलब अंकल टाइप कैटेगरी आपको अच्छा लगेगा कोई आपके फादर के बारे में आप किसी के फादर के बारे में बोलो सो इसलिए मार्जी ने इस बात पर बहस नहीं किया क्या करती है शी सेड आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी वाओ व्हाट एन एक्सक्यूज मुझे अच्छा नहीं लगेगा यदि कोई एक अजनबी इंसान मेरे घर में आके मुझको पढ़ाए टॉमी स्क्रीन विद लाफ्टर टॉमी को बहुत हंसी आई इस बात पर You don't know much, Margie. Margie, तुम्हें कुछ नहीं पता. The teachers didn't live in the house. वो teachers जो थे, वो घर में नहीं रहते थे. They had a special building and all the kids went there. ये बस हमारे टाइप के स्कूल्स के बारे में बता रहा है. ये एक स्कूल होता था, एक बिल्डिंग होती थी जहाँ पे सारे टीचर्स जाते थे और सारे बच्चे भी जाते थे. स्पेसिफिक आवर जैसे हम लोग अलग अलग टाइम्स पर मॉर्निंग में लेट से 8 to 1 या यू नो द टाइमिंग्स उस टाइमिंग्स पे ही वो लोग जाया करते थे And all the kids learned the same thing. और क्या ये मार्जी का पूछने क्या सारे बच्चे एक ही बातें सीखते थे Sure, if they were the same age, बिल्कुल यदि उन सबकी एज एक होती थी तो वो एक ही बात सीखते थे एक ही क्लास में रहते थे एक ही हम भी वही काम करते हैं But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently. पर मेरी माँ तो कहती है कि एक टीचर को बच्चों के मस्तिष्क के विकास के अनुसार से एडजस्ट किया जाना चाहिए और क्योंकि हर बच्चा अलग तरीके से सीखता है इसलिए उसको भी अलग अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट व्हेन देन
इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। बिल्कुल ठीक यही काम वो लोग उस वक्त नहीं करते थे कि टीचर को एडजस्ट करना, तब बच्चों को एडजस्ट करना पड़ता था। यदि आपको पसंद नहीं आता तो तुम्हें ये किताब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आई डेंट से आई डेंट लाइक इट, ये टॉमी, ये मार्जी ने बोला टॉमी के जवाब पर कि मैंने ये तो नहीं कहा कि मुझे ये किताब नहीं पढ़नी है। मार्जी सेट क्विकली, जल्दी से उसने बोला, शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। अब उसके मन में स्कूल्स को लेकर के थोड़ा इंटरेस्ट जाग रहा है कि वो फनी स्कूल्स, वो स्कूल्स को वो फनी स्कूल्स बोल रही है जहां पर मजा आएगा जाने में। They weren't even half finished when Margie's mother called Margie school. उन लोगों की बातचीत अभी चल ही रही थी, किसी बीच में मार्जी को उसकी मम्मी ने बोला कि चलो तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है। मार्जी लुक्ड अप, नॉट येट मामा। मार्जी ने घड़ी देखा, अब एक टाइम दो तीन मिनट बचा होगा, अभी नहीं। Now said Mrs. Jones. Mrs. Jones ने कहा अभी के अभी चलो, and it's probably time for Tommy too. और बल्कि अब टॉमी के भी जाने का टाइम हो रहा है। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी को कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं स्कूल के बाद भी तुम्हारे साथ ये बुक पढ़ सकती हूँ? मे बी, हो सकता है। ही सेड नॉन चैलेंटली, अंडरलाइन नॉन चैलेंटली, इट्स एन एडजेक्टिव, नॉन चैलेंटली, आई विल पुट एडजेक्टिव को मैं नाउन में डालूंगा। नॉन चैलेंटली मतलब बेतकल्लुफी से, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, नहीं, हाँ, this is, now this behavior is non-challengingly. He walked away whistling, और उस सीटी बैठते हुए चला गया। The dusty old book tucked beneath his arm, और ऐसे ही किताब दबा करके ऐसे वहां से चला गया। He walked away whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. Margie went into the schoolroom. Margie इसके बाद school room के अंदर जाती है, अपने classroom में नहीं जाती है, school room में जाती है। Underline school room. It was right next to her bedroom. और वो bedroom के ठीक बगल में ही था। And the mechanical teacher was on and waiting for her. Mechanical teacher नियत समय पर, निश्चित समय पर खड़ा हो जाता था और देखना शुरू कर देता था, उसका इंतजार कर रहा था। It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. Saturday Sunday को छुट्टी होती थी, उस टाइम के अलावा हर दिन वो उसी समय पर खड़ा हो जाता था। Because her mother said little girls learn better if they learn at regular hours. और ऐसा इसीलिए था क्योंकि मार्जी की मम्मी कहती थी कि यदि हम रूटीन से रेगुलर आर्ट्स में अगर पढ़ाई करेंगे तो हमारी पढ़ाई अच्छी चलेगी। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन जो था वो बिल्कुल फोन की तरह जैसे लिट हो जाता है, लाइट लगा फोन की तरह दिखना शुरू हो गया। एंड इट सेट, जैसे टीवी स्क्रीन जब ऑन हो जाता है तो उसको हम लिट अप कहते हैं। एंड इट सेट, और उसमें से आवाज आई, टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। हाँ, रिमेंबर मैथमेटिक्स वाला प्रॉपर फ्रैक्शंस पर, अब जो हमने नंबर सिस्टम में पहला चैप्टर किया है, फर्स्ट एक्सरसाइज एंड सेकंड एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज, ठीक वैसा ही यहाँ पर लेसन जो था शायद उसी से रिलेटेड, उसी का इंट्रोडक्शन होगा, वैसा ही कुछ होना शुरू होने वाला था। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। अब देखो कंडीशंस कैसे, कमांड्स कैसे कैसे मिल रहे हैं, कल का होमवर्क स्लॉट में डालिए। मार्जी डिड सो विद अ साई, मार्जी ने करके स्लॉट में डाल दिया। साई मतलब दीर्घ निश्वास छोड़ना, किसी चीज पर मतलब ऊब जाना, हाँ अब ठीक है अब आगे क्या करोगे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड, अब उसके मन में क्या चल रहा है, जो पुराने टाइप के स्कूल्स जो थे जिसमें उसके ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर जाया करते थे जब वो छोटे बच्चे थे। व्हेन दे द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय, अब वो उन स्कूल्स के बारे में सोच रही है। All the kids from the whole neighborhood came. पूरे locality, पूरे आसपास के सारे बच्चे स्कूल में जाते थे जैसे आज जाते हैं। Laughing and shouting in the schoolyard, स्कूल से घर स्कूल के अंदर जाते हुए और स्कूल से बाहर निकलते हुए हंसते मुस्कुराते चीखते चिल्लाते शोर मचाते हुए जा रहे हैं। Sitting together in the classroom, क्लासरूम में एक दूसरे के बगल में बैठे हुए, हमारा बेस्ट फ्रेंड हमारे बगल में नहीं बैठता है तो यार कितना बुरा लगता है, किसी और के साथ जाके बैठ जाता है, मन में गुस्सा आता है, फिर धीरे धीरे फिर कुछ समय तक ये झगड़ा चलता है, फिर एक दिन ओके सॉरी करके फिर सारा खेल खत्म। ये सारी चीजें वो सोच रही है अभी कि जो आप लोगों के मन में चल रहा है, जो आप लोग अपने रोज अपने स्कूल में जाते हो, कई बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते, अपने मम्मी पापा से तरह तरह के बहाने बनाते हैं कि हमें आज इसलिए नहीं जाना, आज उसलिए नहीं जाना। जरा सोचो ऐसी बच्ची कितना परेशान होगी जिसको स्कूल के बारे में कुछ स्कूल का जिसके बारे में स्कूल मतलब उसके लिए स्कूल रूम है, उसके लिए क्लासरूम एग्जिस्ट नहीं करता है, उसके लिए स्कूल उसके घर पर ही है और कोई क्लासमेट्स नहीं है। सो लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, सॉरी स्कूल रूम,
गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और दिन जब खत्म हो जाता है तो अपनी अपनी साइकिल से, अपनी अपनी स्कूटी से, अपने अपने बस, मतलब कुछ लोग होते हैं जो कार पूलिंग करते हैं, कुछ लोग बस से स्कूल जाते हैं, कुछ लोग पैदल ही चले जाते हैं, लेकिन जब भी जाते हैं तो हम अपने फ्रेंड्स के साथ ही जाते हैं, कोई घर के पास का हो, थोड़ा दूर का हो। यू सी, ये सारी चीजें वो सोच रही है। दे लर्न द सेम थिंग, जो एक ही चीज सीखते थे, सो दे कुड हेल्प वन अनदर, ताकि वो एक दूसरे की मदद कर सकें। जैसे हम लोग अपने फ्रेंड्स की कई बार मदद करते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं आता, अरे मुझे आता है, मेरे से पूछ लो यार, मैं बता देता हूँ, क्यों तुम्हें नहीं आता, और उससे सिखा भी देते हैं। चलो फिर ऐसे, सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, आई एम श्योर सभी लोग पढ़ना चाहते हैं, वो आपस में कभी ना कभी अपने टॉपिक को लेकर डिस्कस भी करते हैं। एंड द टीचर्स और पीपल, और सबसे हैरानी की बात, अरे भैया वहां तो टीचर्स ही आदमी होते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 and 1/4। स्क्रीन पर 1/2 + 1/4 चल रहा है, दिस इज इक्वल टू 4, पर इस पर उस पर उसका ध्यान नहीं है। अब ऊपर में क्या आएगा, 2 + 1, दैट मेक्स इट 3/4। वाओ, पर इस पर उसका ध्यान नहीं है, उसका ध्यान कहाँ है, स्कूल की तरफ। अरे टीचर्स आदमी हुआ करते थे, वो सब कुछ ऐसे होता था, ऐसे कैसे। Margie was thinking about how kids must have loved it in the old days. जिस तरीके से आज हम अपने स्कूल्स को इतना प्यार करते हैं, उसी तरीके से बच्चों ने भी ओल्ड एज में कितना मस्ती किया होगा। She was thinking about the fun they had. और वो वही सोच रही थी कि वो लोग कितनी मस्ती करते होंगे। अब ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। इसके अंदर कुछ वर्ड्स ज्यादा निकले नहीं, और अगर निकलते हैं तो वी कैन गूगल इट, और आप मेरे से भी कमेंट्स में पूछ सकते हो, कितना टाइम लगता है यार, कहीं से ही पूछ लो। ज्ञान जहां से मिले उसे बटोर लेना चाहिए, ऐसे बटोर लेना चाहिए। सो डू दिस, गुड लक, आई एम श्योर कि ये सब आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। सब्सक्राइब करिए, पसंद आता है तो सब्सक्राइब करिए, नहीं पसंद आता यार एक और चांस दे दीजिए, अगर कोई गलती है तो बता दीजिए कमेंट्स में। कुछ भी ऐसा है जिसको आप मेरे अटेंशन पर लाना चाहते हो, जिससे मैं आप लोगों की और हेल्प कर सकूं। लॉकडाउन है, तरह तरह की परेशानियां हैं, लेकिन ध्यान रहे, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। पिछली बार मैंने बोला था पानी पत्थर बन जाता है, सो अदर वे राउंड, बोथ वेज इट इज एग्जैक्टली द सेम। ऑल यू हैव टू डू इज कॉन्सेंट्रेट ऑन द बुक्स राइट नाउ, रीड इट फ्रॉम देयर, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सो गुड लक, हैव फन एंड कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग।